फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद साध्या बदर। आज की वीडियो मेकअप में है और मेकअप में जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ स्किन पॉलिश। आप घर में स्किन पॉलिश किस तरह तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल वही सीक्रेट्स बताऊंगी जो पार्लर में यूज किए जाते हैं। पार्लर में किस तरह बिल्कुल वही सीक्रेट होंगे स्किन पॉलिश बनाने के जो पार्लर में यूज होते हैं, घर में स्किन पॉलिश को बना के यूज करने के और पार्लर में जाके स्किन पॉलिश जो है आप लगवाते हैं, पार्लर जाके जब आप स्किन पॉलिश जो अपने फेस पे लगाते हैं, उन दोनों का डिफरेंट जो रिजल्ट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। वीडियो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि हम घर में स्किन पॉलिश बनाएंगे और बिल्कुल 100% एज इट इज रिजल्ट मिलेगा आपको जैसे आप पार्लर जाके स्किन पॉलिश अपने फेस पे कराते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिगनर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल जो है पार्लर जैसा रिजल्ट मिलेगा, 100% पार्लर जैसा रिजल्ट मिलेगा, लाइव करके दिखाऊंगी और रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक प्लेन बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम सबसे पहले जो डालेंगे वो हम एक्टिवेटर डालेंगे, ठीक है। आप कोई एसिलेटर डालेंगे, आप कोई सा भी जो ब्लीच आती है, ठीक है, आप कोई सी ब्लीच ले लें जो आपको सूट हो, ठीक है। उसका जो पाउडर होता है ना, एसिलेटर जो होता है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस स्किन पॉलिश के अंदर, ओके। और इसका मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो ऑलमोस्ट जो है हाफ टी स्पून मैं एसिलेटर का यूज़ करूँगी, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि ये जो है मैं स्किन पॉलिश अपनी नेक और अपने फेस के लिए बना रही हूँ, ठीक है। अगर आप अपने हैंड के लिए भी बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा करें, इसका ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून ले सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ फेस और जो है अपने नेक को कवर करने के लिए बना रही हूँ, तो मैं सिर्फ इसमें हाफ टी स्पून जो है ये एसिलेटर पाउडर लूँगी, ठीक है। हाफ टी स्पून मैंने एसिलेटर पाउडर लिया, ठीक है। मेरे पास स्विस ट्रीटमेंट वालों का वाइटनिंग आइस क्रीम ब्लीच एसिलेटर पाउडर है, ठीक है। और ये देखिए, ये ऑल स्किन टाइप के लिए, ठीक है, ऑल स्किन टाइप के लिए। तो आपकी स्किन अगर नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन सेंसिटिव है, जो भी आपकी स्किन है ये उस पर काम करता है, ठीक है। और ये इतना तेज नहीं होता, बिल्कुल लाइट माइलेज ये देता है आपकी आपके जो हेयर्स होते हैं ना, आपकी आपके फेस हेयर को, आपके फेशियल हेयर्स को बहुत लाइट सा ये कलर देता है बहुत। और उसके बाद आप कोई सा भी डेवलपर ले सकते हैं, ठीक है, और ऑक्सीडल ले सकती हैं, ठीक है। ये मैं फार्मेसी वालों का ऑक्सीडल ले रही हूँ, फार्मेसी ब्रांड है उनका ऑक्सीडल ले रही हूँ, 20 वॉल्यूम है इसका, ओके। ये मैं इसमें कितना ऐड करूँगी, सॉरी मेरे पास जरा बड़ी बॉटल ही थी क्योंकि मैं अक्सर अपने घर में जो है कलरिंग खुद करती हूँ, अपनी हेयर डाई खुद करती हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा बल्क क्वांटिटी में चीज़ें लेती हूँ क्योंकि फिर वो मैं इजीली जो है ना मेरी यूज़ होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो अगर मैंने हमने जो पाउडर लिया था, ठीक है, ब्लीच पाउडर जो हमने लिया था वो हमने लिया था हाफ टी स्पून, तो इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जो है ना हम लोग हाफ टेबल स्पून लिया था, ठीक है। तो इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जो है ये जो है डेवलपर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। क्वांटिटी जो है वो हाफ की क्वांटिटी होगी, ठीक है, जो है हाफ टेबल स्पून जो है एसिलेटर होगा इसके अंदर, ठीक है। हाफ टेबल स्पून एसिलेटर ऐड किया है और मैंने 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर डेवलपर ऐड किया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ठीक है। पहले हम इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि एक स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए हमारा, ठीक है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। स्पून जो है वो आपने कोई भी जो है स्पून जो है वो आपने प्लास्टिक का यूज़ करना है, कोई भी मेटल का स्पून इसमें यूज़ नहीं करना। अगर आपके पास छोटा कोई ब्रश है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और बाउल भी आपने इसी तरह स्टील वगैरह का यूज़ नहीं करना इसको बनाते हुए, बाउल भी आपने शीशे का या हो सके तो प्लास्टिक बाउल जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई है, ठीक है, ये अच्छी तरह से मैंने इसकी ब्लेंडिंग कर ली है, तो इसकी जो लुक है ना वो इस तरह की हो जाएगी। ये देखिए, अच्छी तरह से ब्लेंडिंग हो चुकी है इसकी। अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा आइटम्स डालेंगे, ठीक है, ये तो हो गया ब्लीच आइटम्स, ठीक है, हम जो इसमें डाल रहे हैं जिससे हमारा जो है ना हमारी जरा स्किन की टैनिंग अच्छी होगी और हमारे फेशियल हेयर को थोड़ा बहुत ब्लीच मिल जाएगा, ओके। अब जो बाकी सारी चीज़ें हैं ना वो सब स्किन पॉलिश से रिलेटेड है, आपने अपनी स्किन को पॉलिश करना है। स्किन पॉलिश का मतलब ही होता है कि आपने अपनी स्किन को पॉलिश करना है। तो सबसे पहले जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो स्किन शाइनर ऐड कर रही हूँ, सॉफ्ट टच वालों का स्किन शाइनर है, लेमन एनरिचर में है, ठीक है, और बहुत अच्छा स्किन शाइनर है। एक तो ये आपको स्किन शाइन देगा आपकी स्किन पे, ठीक है। ये देखिए, मैं इसके अंदर ऑलमोस्ट हाफ टेबल जो स्पून है, ठीक है, हाफ टेबल स्पून जो है मैं इसमें स्किन शाइनर का ऐड कर रही हूँ। स्किन शाइनर ऐड कर लिया, उसके बाद मैं इसमें सूदिंग जेल ऐड करूँगी। मेरे पास सॉफ्ट टच वालों का ही सूदिंग जेल पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे है, ये इसमें ऐड करेंगे। सूदिंग जेल क्या करेगा, अगर आप लोगों की स्किन सेंसिटिव भी है तो उस पर रैश नहीं आएगा। सेंसिटिव जेल डालेंगे वो भी ऑलमोस्ट हाफ टेबल स्पून होगा, ठीक है। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें सूदिंग जेल ऐड कर दिया है, टी ट्री ऑयल का मेरे पास सूदिंग जेल है, सॉफ्ट टच ब्रांड है, ठीक है। ये 3 चीज़ें होगी। उसके बाद जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जाएगी वो डबल एक्शन क्लिंजर जाएगा। अगर आपके पास कोई सा भी क्लिंजर है तो आप कोई भी ब्रांड का क्लिंजर है तो वो ऐड कर सकते हैं।
मेरे पास ये सॉफ्टेस्ट वालों का डबल एक्शन क्लिंजर है, ये आपकी स्किन से डस्ट इतनी जल्दी रिमूव करेगा कि आपका आप सोच नहीं सकते कि आपको कितनी जल्दी डस्ट फ्री करेगा आपकी स्किन से। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरा फिनिशिंग स्टेज पे है तो मैं इसको सारा ही यूज़ कर लूँगी। ठीक है, ये इस तरह से ब्लैक क्वांटिटी में इस तरह से होता है क्लिंजर। ठीक है, और ये बहुत अच्छा है, ये भी ऑलमोस्ट आपने हाफ टेबल स्पून यूज़ करना है। ठीक है, क्वांटिटी में आपको बता रही हूँ, कम या ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। एक मिनट, मैं अपने फिंगर से यूज़ कर लेती हूँ। ये हाफ टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है जी, ग्लैसरीन। ठीक है, ग्लैसरीन ऐड करूँगी इसके अंदर। ग्लैसरीन है मेरे पास, ग्लैसरीन भी यही करेगी कि आपकी स्किन पर रैश नहीं आने देगी और आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट करेगी, आपकी स्किन का मॉइस्चराइजर अच्छा रखेगी। ग्लैसरीन को भी हम ऑलमोस्ट हाफ टेबल स्पून जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें ग्लैसरीन का ऐड कर दिया है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से ज़रा मिक्स कर लेते हैं पहले इन सब चीज़ों को। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ग्लैसरीन आपको बहुत सॉफ्ट लुक देगी आपकी स्किन पे। ठीक है, और आपकी स्किन की मॉइस्चराइजिंग अच्छी तरह करेगी। ग्लैसरीन जो है वो विंटर में भी यूज़ होती है, लेकिन जो है हम इसको इस जो है अपनी फॉर्म इसमें भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ग्लैसरीन हमने हाफ टेबल स्पून डाल दी। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो मेरे पास इन्ग्रीडियंट है जो इसमें हमारी स्किन पॉलिश में जाएगा वो है वाइटनिंग पाउडर। ठीक है, वाइटनिंग पाउडर बहुत अहम किरदार अदा करता है आपकी स्किन को एकदम से वाइटनिंग देने में। ये वाइटनिंग पाउडर बहुत अच्छा होता है। सॉफ्ट टच ब्रांड का वाइटनिंग पाउडर लिया है, आप किसी भी ब्रांड का जो है वो वाइटनिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इसमें ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून ही जाएगा। ओके, अब मैं अंदाजे से जो है ना हाफ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ कि ऑलमोस्ट डन। हाफ टी स्पून वाइटनिंग पाउडर ऐड करेंगे, ये आपकी स्किन पे एकदम से ग्लो लाएगा। आपकी स्किन पे जो टैनिंग हो जाती है, अब जैसे समर है तो समर में टैनिंग बहुत हो जाती है, अक्सर हम लोग सन ब्लॉक भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, हमारे हाथों पे टैनिंग हो जाती है, हमारी नेक बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है समर में। तो उसको ये बहुत अच्छी वाइटनिंग देगा, उस पर अच्छे से शाइन लाएगा और जो है आपको एक ज़बरदस्त सी लुक देगा। अब मैं इससे ब्रश की हेल्प के साथ आपने जो है ना विद हेल्प ऑफ ब्रश आपने इन सब मिक्सचर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिए सारे मिक्सचर को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। क्वांटिटी आपने जो मैंने है क्वांटिटी आपके सामने सारी बताई है। सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है मैंने डेवलपर यूज़ किया है, बाकी सब चीज़ें मैंने हाफ ऑफ टेबल स्पून जो है इसमें ऐड की है। ठीक है, अब ये मैंने जो बनाया जितनी क्वांटिटी में मैंने बनाया है ये आप देख लें, ये जो है मैंने क्वांटिटी बनाई है अपने फेस और नेक के लिए। ठीक है, सिर्फ अपने फेस और नेक के लिए बनाई है। तो मैं आपको बता रही हूँ आप जो है अपनी क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी स्किन पॉलिश को बना के आपने रख नहीं देना कि रख दिया तो चलो मैं थोड़ा सा किचन के बर्तन धोवाती हूँ उसके बाद आके इसको अप्लाई कर लूँगी। इस तरह नहीं करना, आपने फ़ौरन बनानी है और फ़ौरन ही अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो ये स्किन पॉलिश है बिल्कुल रेडी है अप्लाई करने के लिए स्किन के ऊपर। अब मैं इसको फ़ौरन से अप्लाई करूँगी और फिर इसको हम ऑलमोस्ट जो है अप्लाई करेंगे अपनी स्किन के ऊपर, इसको बिल्कुल रखना नहीं है। ठीक है, मैं ये जो है रिंग्स वगैरह उतार देती हूँ। ये मेरा हैंड है, ठीक है, ये मेरा पहले हैंड के लुक देख लें आप। अब मैं इसको जो है ये हैंड के लुक देख लें आप मेरे पहले हैंड की। ठीक है, बिफोर देख लें, अब हम इसको ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ओके, ये देखें इस तरह ब्रश की हेल्प से मैं अपनी इस पर अप्लाई कर दूँगी, पूरे हैंड पे अप्लाई करूंगी ताकि आपको दोनों हैंड का डिफरेंस नजर आए। ठीक है, नकल्स पे जरूर अप्लाई करेंगे, जो हमारे नकल्स है अक्सर किचन में काम करते करते बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाते हैं। बिल्कुल माइल्ड सी, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल माइल्ड सी बनी है, बहुत थिक नहीं है और बहुत लिक्विडी भी नहीं है कि बिल्कुल लग ही नहीं रही हो। ये देखिए बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल माइल्ड सी बनी है। यहाँ मैं आपको पैच करके दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो सही तरह से नज़र आए। ठीक है, ये देखिए इसको अच्छी तरह हमने लेपिंग कर देनी, अच्छी तरह जो है ना ये पेस्ट आपने अपनी हैंड के ऊपर अप्लाई कर देना है। उसके बाद मैं हैंड और फेस जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाह रहे हो वहाँ पे इसको अप्लाई कर दें। ठीक है जी, देखिए बहुत अच्छी तरह मैंने अप्लाई कर दी है। ठीक है, और हम इसको हम ऑलमोस्ट 20 मिनट्स छोड़ देंगे, क्योंकि स्किन पॉलिश इतना टाइम लेती है आपके डर्ट निकालने में, जैसे आपकी डर्ट क्लीन करनी है, आपके सारी चीज़ें वो करनी है, तो इसको ऑलमोस्ट जो है 20 मिनट्स तक आप छोड़ दें। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं इसको लगे हुए, अब आप इसकी लुक देखें, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स ये मेरे हैंड पे लगी रही है। अब जो प्रोसीजर आएगा हम इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, किसी भी वेट स्पंज के साथ आप इसको रिमूव करें। ये देखें
ये वेट स्पंज के साथ मैं रिमूव करके दिखा रही हूँ आपको, ये देखें अच्छी तरह से हम इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो है ये तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स रहा है मेरे हैंड पे, और जब ऑलमोस्ट 10 मिनट्स गुजरे थे तो मैंने अच्छी तरह से इसकी एक बार और जो है वो ब्लेंडिंग कर दी थी, ताकि रिजल्ट जो है अच्छा क्लियर रिजल्ट हमें मिले। अभी आपको डिफरेंस चेक कराती हूँ, लाइव डिफरेंस चेक कराऊंगी आपको कि कितना स्किन टोन पे आपके इफेक्ट आते हैं। अगर आप मंथ में 2 बार स्किन पॉलिश करें, अगर आप मंथ में जो है 2 बार स्किन पॉलिश ये वाली बना के अपने फेस पे, अपनी नेक पे, अपनी हैंड्स पे अप्लाई करें, अपने फुट्स पे अप्लाई करें, तो आपकी स्किन बहुत नीट एंड क्लीन हुआ करेगी और आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी जो है आपको फेयरनेस क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ये जो है नेचुरल है और इसमें कोई भी इतना ज़्यादा एसिड नहीं है। ब्लीच इतनी ज़्यादा माइल्ड हमने इसकी क्वांटिटी रखी थी हर चीज़ की, ठीक है, क्वांटिटी बहुत माइल्ड थी। और उसके अलावा हमने इसमें ग्लैसरीन ऐड की थी, तो ग्लैसरीन से भी एक बहुत स्मूथ सी स्किन हो जाती है, ड्राई स्किन नहीं होगी। ग्लैसरीन की हेल्प से आप देखेंगे आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होगी, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शाइन आ रही है। और अभी डिफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ, ये नकल्स कितनी अच्छे नीट हो गए हैं मेरे, अच्छी तरह नीट हो गए नकल्स भी। अप्लाई की थी स्किन पॉलिश, इन दोनों का आप डिफरेंस चेक कर लें और फिर उसके बाद ये मेरे हैंड्स का डिफरेंस चेक कर लें। बिल्कुल जो है नीट लुक आ गई है स्किन के ऊपर और बहुत स्मूथ, ग्लैसरीन की वजह से बिल्कुल सॉफ्ट लुक दे रही है, ये देखें ना आ रही है स्किन शाइनर की वजह से, इसमें शाइन भी आ गई है मेरी स्किन के अंदर और बिल्कुल जो है सॉफ्ट और स्मूथ है स्किन बन गई है। ये इसका कट देख लें, यहाँ तक मैंने अप्लाई की थी, ये मेरी बाकी स्किन है जो पहले इसका स्किन टोन था, और अब ये वाला जो इसका जो डिफरेंस है वो आप देख लें, या तो आप इस तरह डिफरेंस जो है आप देख सकते हैं, ये दोनों का डिफरेंस देखें, ये दोनों मेरे हैंड्स का डिफरेंस देख लें आप। बिल्कुल एक टोन जो है वो डार्कर होगी है मेरी स्किन, और एक टोन लाइट होगी है, एक टोन फेयर होगी है, और बिल्कुल ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया है। यहाँ तो थोड़ा फ्लैश है, इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल जो है क्लियर फर्क नज़र आ रहा है, मुझे अपनी आंखों से बिल्कुल पता चल रहा है कि बिल्कुल क्लियर लुक आ रही है और कितनी स्मूथ स्किन होगी है। स्किन बिल्कुल भी जो है वो हार्श नहीं हुई, क्योंकि हमने ग्लैसरीन ऐड की हुई थी, स्किन पॉलिश ऐड किया हुआ था, जिसकी वजह से स्किन बहुत स्मूथ होगी है। कमेंट बॉक्स में कुछ लोग कहेंगे कि जी आपने इसके ऊपर जो है वो फाउंडेशन अप्लाई करके आप हमें डिफरेंस दिखा रही है, तो उसका भी मैं आपका एक हल बता देती हूँ, उसको भी चेक करने का क्या हल है। आप ये मेरे पास प्लेन वाटर है, ठीक है, ये मैं स्प्रे करूँगी, ठीक है, ये देखिए मैंने स्प्रे किया है, ये अगर ये फाउंडेशन है तो ये उतर जाएगी, ठीक है, ये देखिए अगर ये फाउंडेशन है तो फाउंडेशन जो है मेरे हाथ पे आ जानी चाहिए, मेरे फिंगर्स पे आ जानी चाहिए, देखिए फाउंडेशन मैंने कोई नहीं अप्लाई की। बिल्कुल जो 100% रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने है, डिफरेंस आप लोगों के सामने है 100%, किस तरह से जो स्किन है एकदम से नीट होके आई है, बिल्कुल सारा डिफरेंस आप लोगों के सामने है, बिल्कुल जो सारा डिफरेंस है वो आप लोगों के सामने है। कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं की हो और इसका जो आप डिफरेंस है वो देख लें, कितना ज़बरदस्त डिफरेंस आया हुआ है, आई होप। और आप इसको अप्लाई कर सकती हैं अपने स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर, अपने देखिए नकल्स में, ये वाले नकल्स और इन नकल्स में डिफरेंस देख लें, ये फिंगर्स के डिफरेंस देख लें, कितना ज़्यादा डिफरेंस अभी मुझे सिर्फ एक एप्लीकेशन में मिला है। अगर मैं मंथ में 2 एप्लीकेशन इसकी करूँ तो स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। ग्लैसरीन अप्लाई कर रहे हैं हम, इसमें ग्लैसरीन ऐड की है जिसकी वजह से स्किन बहुत स्मूथ होगी, मॉइस्चराइजिंग रहेगी स्किन। इसके अलावा हम इसमें सूदिंग जेल ऐड किया है जिससे आपकी स्किन पे जो है वो रैश नहीं आएगा, ठीक है, हो जाती है हमारी स्किन, और डिफरेंस बहुत ज़्यादा है जो मुझे नज़र आ रहा है, आई होप आपको भी बिल्कुल सेम वही नज़र आ रहा हो। और अप्लाई ज़रूर करें, एक बार ट्राई करके देख लें, ट्राई करके देखें, सेंसिटिव स्किन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट स्किन पॉलिश है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इन दोनों हैंड्स में कितना डिफरेंट नज़र आया और आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इतना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइफस्टाइल विद सादिया बदर, अल्लाह हाफिज़।